आप इलेक्शन पुश कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस सब कुछ कह रहे हैं मगर बीएमसी के चुनाव नहीं जीत पाएंगे, देखिए आप बीएमसी के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? देखिए कम से कम जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो उसको इतना तो पता चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट देवेंद्र फडणवीस के या उद्धव ठाकरे के कहने पर नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रही है और उनमें से कई पिटीशन उनकी है, उनके लोगों ने दाखिल किए, वो सारे पिटीशन क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को देकर रखा हुआ है। जब तक ये स्टेटस को नहीं हटेगा इलेक्शन कमीशन कैसे चुनाव लेगा? क्या आप चुनाव के लिए रेडी हैं? 100% रेडी है। आज चुनाव हो जाए, कल हो जाए, आज हो जाए, स्टेट इलेक्शन आज चुनाव हो जाए, आज हो जाए, कितने आप आज हो जाए तो राष्ट्रीय चुनाव पर सवाल आपका है, आप कितने सीट देंगे एकनाथ शिंदे को? आपने तो कितने सीट देंगे आपके दोस्त एकनाथ शिंदे को? नहीं वो तो आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, मैं पहले नेशनल की बात कर रहा हूं। सीट शेयरिंग कैसे होगी नेशनल लेवल? नहीं देखिए जो हमारी सीट शेयरिंग शिवसेना और बीजेपी की थी उसी प्रकार की हमारी सीट शेयरिंग होगी। उनके साथ जितने एमपीज आए हैं वो सीटें उनको मिलेगी। शिवसेना जो सीटें लड़ती थी उनमें जहां उनके पास सही कैंडिडेट है वो सीटें उनको मिलेगी, हम जहां लड़ते थे हमारी सीटें हमको मिलेगी। और असेंबली में? असेंबली में भी करीब करीब वैसे ही होगा। तो कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होने? ना 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 बिल्कुल नहीं, उनको भी नहीं हमको भी नहीं, ये सारी बातें हमारे मन में क्लियर है। और वो कह रहे हैं एमवीए की अगर पूरी कॉम्बिनेशन अरिथमेटिक जो आप कह रहे हैं अरिथमेटिक बनी रहे तो फिर इस बार देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किल है। देखिए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जितना भी बैलेंसिंग एक्ट कर ले, आपकी आपके दो तीन एग्जामिनेशन आपके सामने हैं, एक है बीएमसी का इलेक्शन क्वार्टर फाइनल, एक है नेशनल इलेक्शन जो आपके लिए सेमीफाइनल है 48 सीट्स, और आपके लिए फाइनल है जो महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन है। यू हैव टू विन ऑल थ्री एग्जाम्स। पॉलिटिक्स जो होता है अरिथमेटिक से नहीं चलता है, ये केमिस्ट्री से चलता है, और केमिस्ट्री हमारे साथ होगी क्योंकि मोदी जी हमारे साथ है। और फडणवीस जी आखिरी सवाल, व्हाट अबाउट योर पर्सनल एम्बिशन? और मुझे ट्रेडिशनल रिप्लाई मत दीजिए। यू आर अ यंग लीडर, रिलेटिवली यंग, एंड यू आर एम्बिशियस। मैं जानता हूं कि आप और सारे नेताओं को होना चाहिए एम्बिशियस फॉर द कंट्री एंड फॉर देमसेल्व्स। क्या आप तो यू ना मेरा एम्बिशन आपको बता रहा हूं, मेरा एम्बिशन है 2024 में लोकसभा में महाराष्ट्र में 42 या उससे ज़्यादा सीटें लेना, और मेरा एम्बिशन है विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में एमवीए को राउट कर देना। दैट इज माई एम्बिशन। एंड बियॉन्ड दैट? नो एम्बिशन बियॉन्ड दैट एज ऑफ नाउ। नेशनल पॉलिटिक्स? नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स क्यों भेजते हो भाई, महाराष्ट्र में हूँ, क्यों मुझे भेजना चाहते हो आप?